भारत में एक बड़ी आबादी चाय की शौकीन है। रेलवे स्टेशन, बस डिपो और हवाई अड्डों पर कुल्हड़ की चाय की लगातार मांग रहती है। ऐसे में आप कुल्हड़ बनाने और बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं आप ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सरकार दे रही है बढ़ावा। आपको बता दें, सरकार इस समय कुल्हड़ की मांग बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कुछ समय पहले सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्हड़ को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक और कागज के कप में चाय देने पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कुल्हड़ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर के कुम्हारों को बिजली से चलने वाली चाक देती है, तो वो इससे कुल्हड़ समेत मिट्टी के बर्तन बना सके। बाद में सरकार कुम्हारों से इन कुल्हड़ को अच्छी कीमत पर खरीद लेती है। 5,000 लगाकर शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस। मौजूदा दौर को देखते हुए ये बिजनेस बेहद कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह के साथ साथ 5,000 रुपए की जरूरत होगी। खादी ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने जानकारी दी है कि इस साल सरकार ने 25,000 इलेक्ट्रिक चाक वितरित किया है। कितने रुपए में बेच सकते हैं कुल्हड़? चाय का कुल्हड़ बेहद किफायती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित होता है। मौजूदा दौर की बात करें तो चाय के कुल्हड़ का भाव करीब 50 रुपए सैकड़ा है। इसी प्रकार लस्सी के कुल्हड़ की कीमत 150 रुपए सैकड़ा, दूध के कुल्हड़ की कीमत 150 रुपए सैकड़ा और 4500 रुपए सैकड़ा चल रही है। मांग बढ़ने पर इससे अच्छे रेट की भी संभावना है। होगी अच्छी बचत। आज के समय में शहरों में कुल्हड़ वाली चाय की कीमत 15 से 20 रुपए तक हो गई है। अगर बिजनेस को सही तरीके से चलाया जाए और कुल्हड़ बेचने पर ध्यान दिया जाए तो एक दिन में 1,000 रुपए के करीब बचत की जा सकती है। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।